हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे अप्रैल माह का जो बेस्ट 200 क्वेश्चन है उनका भाग दो। भाग एक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था आज से 3 दिन पहले। इसमें 15 से 30 अप्रैल तक के जो बेस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ, StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्स आते हैं, एंड्रॉयड और टैबलेट कोर्स, जिनमें पूरा सिलेबस वीडियोज़ के रूप में खत्म किया गया है। इनसे आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्सेज उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, studyiq.com। इस वीडियो का PDF भी हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, इससे आपको ये जानकारी रहेगी कि मेरे वीडियोस कब आएंगे, किस टॉपिक पर आएंगे, कौन सी नई सीरीज शुरू करूंगा। तो facebook.com/gaurav garg education, यहां पर आपको मुझे फॉलो करना है, या Instagram पे मुझे फॉलो करना है, मेरी ID है tirelesssoul। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर जो लिखे रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे और जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी, जो बोलने की लैंग्वेज रहेगी। कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने 2019 सुपर कप ऑफ फुटबॉल टाइटल जीता है? सुपर कप ऑफ फुटबॉल टाइटल जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने। इसके अलावा अगर पूछें स्पेनिश ला लीगा किसने जीता है, यानी स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो आंसर है एफ सी बार्सिलोना। अगर पूछें इटालियन सेरिया यानी इटालियन कप किसने जीता है फुटबॉल का, तो आंसर है यूवेंटस। और अगर पूछें कि दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फुटबॉल क्लब कौन सा है, कार्बन न्यूट्रल, तो आंसर है फॉरेस्ट ग्रीन रोवर्स। भारत के जो प्रफुल्ल पटेल हैं, ये भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के चेयरमैन हैं, और ये पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें फीफा एग्जीक्यूटिव बॉडी में जगह मिली है। फीफा एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे अपॉइंट होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की तरफ। सिंगापुर ओपन मैन सिंगल किसने जीता? मैन सिंगल जीता केंटो मोमोटा ने, और केंटो मोमोटा जो हैं ये जापान के खिलाड़ी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछें वुमेन सिंगल किसने जीता, तो आंसर है ताई जू विंग, और ये ताइवान की खिलाड़ी हैं। ताइवान देश को हम चाइनीज ताइपी भी बोलते हैं, और ताइवान की राजधानी है ताइपी, ठीक है। तो बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी याद रखिए, केंटो मोमोटा जापान के, जापान की राजधानी टोक्यो है और करेंसी येन है, यहाँ पे माउंट फूजी भी है, ठीक है। तो ये था टेनिस। और टेनिस की एसोसिएशन जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट्स में लिख के मुझे बताना है। इनमें से पैलेस्टाइन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पैलेस्टाइन देश, इनका नाम है मोहम्मद इस्तैया, पैलेस्टाइन, जिसे फिलिस्तीन बोलते हैं हिंदी में, और इस देश की कैपिटल है पूर्वी जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम। उस भारतीय बॉक्सर का नाम बताइए जिसने गोल्ड मेडल जीता 54 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो कोलोन जर्मनी में हुआ था, इनका नाम क्या है? ये फीमेल है, इनका नाम है मीना कुमारी मैसनम। जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 54 किलोग्राम कैटेगरी में। जो अगर बॉक्सिंग से हटके मैं रेसलिंग की बात करूं, तो रेसलिंग में जो बजरंग पुनिया है उनकी वेट कैटेगरी है 65 किलोग्राम, और बॉक्सिंग में मैरी कॉम की कैटेगरी है 48 किलोग्राम। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। पहले क्रिकेटर कौन बने जिन्होंने अर्धशतक 100 से ज़्यादा बनाए, यानी 100 टाइम्स उनका जो स्कोर रहा 50 से ज़्यादा रहा T20 में? ये है क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल, अभी ये किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। SpaceX जो कंपनी है वो नासा का डार्ट मिशन लॉन्च करेगी। डार्ट में आर का मतलब क्या है? तो डार्ट की पूरी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें डार्ट में जो आर का मतलब है वो है रीडायरेक्शन। SpaceX कंपनी का जो रॉकेट है उसको बोलते हैं फैल्कन, और नासा का हेडक्वार्टर Washington DC में है। दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन बनाया है अभी, जिसका नाम है रॉक। तो ये जो है इसने अपनी पहली उड़ान कहाँ से भरी? अपनी पहली उड़ान भरी इसने कैलिफोर्निया से। और रॉक को बनाया किसने है, किस कंपनी ने बनाया है? कंपनी का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च। कौन से कंट्री का चांद का मिशन, लूनर मिशन, जिसका नाम है बेरेशीट, ये क्रैश हो गया, चांद तक पहुंच नहीं पाया? तो बेरेशीट मिशन था इसराइल का। इसराइल ने अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को ज्वाइन करा है। FATF का लेटेस्ट सदस्य बना है इसराइल, ठीक है। और भारत जो है वो आर्कटिक काउंसिल का
ऑब्जर्वर बना है, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बना है आर्कटिक काउंसिल का इंडिया, और इंडिया जो है अबू धाबी जो बुक फेस्टिवल होगा 2019 में उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर होगा इंडिया। G20 समिट जो है वो भी इंडिया होस्ट करेगा 2022 में, G20 समिट इस साल कहां होगी, ओसाका जापान में, और अगले साल 2020 में सऊदी अरब में, क्लियर है ये। और G7 समिट कहां होगा इस साल 2019 में, जगह का नाम है बियारिट्स, और बियारिट्स है फ्रांस में। एक बात और, चांद का एक मिशन और है जिसका नाम है ब्लू मून, और ब्लू मून जो मिशन है ये अमेजॉन कंपनी का है, जेफ बेजोस का, इनकी स्पेस एजेंसी का जो नाम है वो है ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन। कौन से गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना 5वां ऑगस्टा मास्टर्स का खिताब जीता, इसमें ग्रीन कलर की जैकेट मिलती है जीतने वाले गोल्फ खिलाड़ी को, ये इनका 15वां मेजर टाइटल था 11 साल के बाद जीता, इसीलिए इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इनका नाम है टाइगर वुड्स। और अगर पूछें कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर किसे मिला है, तो यह मिला है एएस किरण कुमार को, एएस किरण कुमार इसरो के पूर्व चेयरमैन है। इनमें से एक रोती हुई बच्ची का फोटो, इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो यह फोटो किसने खींचा, यह खींचा जॉन मोर ने, और इस बच्ची का नाम क्या है, 2 साल की बच्ची कौन से देश की है, देश का नाम है होंडुरास, रेफ्यूजी है ये, और इस बच्ची का नाम है येनेला सांचेज। कुछ भी पूछा जा सकता है, बच्ची कहां की है, कौन से देश की है, किसने फोटो खींचा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका टेस्ट परीक्षण किया सफल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है निर्भय, निर्भय। ओडिशा से किया, ओडिशा में जो व्हीलर आइलैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हीलर आइलैंड को अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, चांदीपुर ओडिशा, यहां से किया जाता है, और डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, मिसाइल है निर्भय। एक बात और याद रखिए, अगर पूछे भारत की पहली सबमरीन कौन सी है, भारत की पहली पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकती है, इसका हमने लॉन्च किया अभी अभी, इसका नाम है INS अरिहंत, ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है भारत की। सबसे ज्यादा T20 में स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, इनका नाम है विराट कोहली, तो विराट कोहली बन गए अब T20 खेल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, ठीक है, इन्होंने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। इनमें से कौन से 2 अखबार हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया इसीलिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, इन 2 अखबारों को, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति तक को इन्होंने नहीं छोड़ा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करी पूरी। ये अखबार है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल, सो आंसर है ए एंड बी, इन्हें मिला है पुलित्जर प्राइज। ट्विटर ने अपना इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है, ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी, और इंडिया के लिए बनाया है मनीष महेश्वरी को, मनीष महेश्वरी। ट्विटर ने एक हैशटैग लॉन्च किया था जिसका नाम है पावर ऑफ 18, पावर ऑफ 18 किया था, जो मतदाता है, जो 18 साल का व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, तो पावर ऑफ 18 उनके लिए शुरू किया था जो 18 साल के हो चुके हैं, उनको वोट डालने के लिए इंस्पायर करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो पाकिस्तान ने जिन्हें कैदी बना लिया था फिर वापस छोड़ दिया, उन्हें कौन सा बहादुरी पदक देने के लिए गुजारिश करी है, ये पदक है वीर चक्र, वीर चक्र। हमारा जो पीस टाइम में सबसे ऊंचा चक्र होता है वो अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र, और वॉर टाइम में सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। तो ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बहादुरी का अवार्ड है युद्ध के समय का, और महावीर चक्र मिला था कुलदीप सिंह चांदपुरी को, जिनका निधन अभी अभी हो गया 1971 बांग्लादेश वॉर जो हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला, उसमें कमान इन्होंने संभाली थी। और अशोक चक्र मिला है नाजिर अहमद वानी को इसी साल, नाजिर अहमद वानी। कौन सा कंट्री है जहां पे एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है चाइना में हुआ, चाइना। इनमें से कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसने श्रीलंका में हुए हमलों की जिम्मेवारी ली, यह ईसाई धर्म का त्यौहार एस्टर के दिन हुआ, यह है इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे और राष्ट्रपति हैं मैत्रीपला सिरिसेना। भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता 23वीं एशियन एथलेटिक्स प्रतियोगिता, यह हुई थी कतर में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कतर में हुई थी, यह जीता गोमाती मारीमुत्तू ने,
गोमाति मारीमुत्तु इन्होंने जीता, और ये कहां की हैं? ये तमिलनाडु की हैं। रावण वन नाम का सैटेलाइट कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? रावण वन को लॉन्च किया गया है श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका। इनमें से कौन सा कंट्री है जहां पे G20 समिट होगा 2020 में? 2020 में होगा सऊदी अरब में, और 2019 में होगा ओसाका में, और पिछले साल का कहां हुआ था यानी 2018 का पूछ सकते हैं, ब्यूनोस आयरेस अर्जेंटीना में। ब्यूनोस आयरेस अर्जेंटीना की राजधानी है, और यहीं पे पिछले साल 2018 में यूथ ओलंपिक्स भी हुए थे जिसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, मनु भाकर, सौरभ चौधरी और जेरेमी लाल रिनुंगा। बस टिकट बुक आप करा सकते हो इस कंपनी से, इसका नाम है रेड बस। इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। भारत का जो विदेशी विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने इंडो पैसिफिक डिवीजन बनाया है नया, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक विंग के हेड किसे बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, चाइना यहाँ पे, अब चाइना की असली नजर इंडियन ओशियन पे है, तो इसलिए हम इंडो पैसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, अमेरिका, जापान और इंडिया। तो ये इसका पहला चेयरमैन बना है इंडो पैसिफिक विंग का, विक्रम दोराई स्वामी, विक्रम दोराई स्वामी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे दिया है? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये मिला है टाइगर वुड्स को। और अमेरिका के कई चीजें याद रखनी है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हीदर नॉट, पहले हीदर नॉट की बात करते हैं। हीदर नॉट अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, पहले निक्की हेले थी उनको हटा दिया था, डिफेंस मंत्री जेम्स मार्टिस थे उनको हटा दिया था, बाद में बना दिया था पैट्रिक शानाहान को, और इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हैं जॉन बोल्टन, और विदेश मंत्री तो वही हैं जो पहले थे माइक पोम्पियो। तो ये चार व्यक्ति कम से कम याद रख लीजिए, और हाँ उपराष्ट्रपति जिनका नाम है माइक पेंस, माइक पेंस। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है? आईएसओ 31,002018, ये कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिला है? ये कंपनी है चोलामंडलम एमएस, चोलामंडलम एमएस। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने अपना पहला सर्टिफिकेशन दिया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, ये भी याद रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वजह से पहला सर्टिफाइड भारत का रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इनमें से पहला इंडियन कौन बना जिसे नेशनल जियोस्पेटियल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया है? अमेरिका की नेशनल जियोस्पेटियल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बने हैं मिस्टर संजय कुमार, संजय कुमार। और भारत का जो पुणे हाई कोर्ट है, पुणे कोर्ट, ये भारत का पहला कोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, ये भी पूछ सकते हैं। पुणे का जो कोर्ट है ये पहला कोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्टार्ट हुई। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के एक गांव का नाम पलट के दुर्जनपुर से क्या कर दिया है? अब इसे शिवधाम कहा जाएगा, शिवधाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, और मध्य प्रदेश में कूनो वन्य विहार है, इसे अब एक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला बना है बावनवा, जिसका नाम है निवाड़ी, और तेलंगाना के दो नए जिले बने हैं मुलुगु और नारायणपेट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? इस इंडेक्स को दे दिया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, भारत का स्थान है 140, पिछले साल था 138। नंबर वन कंट्री है इसमें नॉर्वे, नॉर्वे तीसरी साल लगातार नंबर वन कंट्री है, यानी पत्रकारों को सब ज्यादा आज़ादी है नॉर्वे में। और सबसे आखिर में कंट्री कौन सा है? सबसे आखिर में है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एलन गार्सिया का निधन हो गया, ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये पेरू के राष्ट्रपति थे, पेरू जिसकी कैपिटल है लीमा। नेवल एक्सरसाइज वरुण, ये भारत और कौन से देश के बीच में हुई? वरुण हुई भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था कॉप इंडिया। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र हुई हमारी सिंगापुर के साथ, और संप्रीति हुई बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति हुई हमारी श्रीलंका के साथ। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है जिससे आपको यह पता चल जाएगा किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कितने लोगों ने वोट डाला है रियल टाइम बेसिस पे, वास्तविक समय पे? यह है वोटर टर्नआउट। इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुनील अरोड़ा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इनकी सहायता के लिए जो दो इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्र और अशोक लवासा। भारतीय नेवी के कौन से दो जहाज हैं जो चाइना गए इंडियन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए? एक तो है INS कोलकाता और एक INS शक्ति, तो आंसर है A&B, और यही दोनों जहाज जो हैं ये चाइना भी गए थे। चाइना की नेवी की 70th एनिवर्सरी हुई थी उसको सेलिब्रेट करने, चाइना की नौसेना के 70 साल पूरे हो गए हैं उसमें भी गए थे, और यही दोनों जहाज गए हैं ADMM+ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने।
इनमें से पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के इतिहास में पहली बार जगह मिली है, यानी पहली बार एक भारतीय महिला है जो इलेक्टेड हुई है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में इसके 349 साल के इतिहास में। इनका नाम है गगनदीप कांग। एक व्यक्ति याद रखिए जिनका नाम है किम जोंग यांग। कौन है ये? इंटरनेशनल पुलिस जिसे इंटरपोल बोलते हैं उसके नए चीफ है। तो किम जोंग यांग को किम जोंग उन से कंफ्यूज मत करना जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, किम जोंग उन, और किम जोंग सुक से कंफ्यूज मत करना जिन्होंने उत्तर प्रदेश में क्वीन हर मेमोरियल जो है उसका उद्घाटन किया था। क्वीन हर मेमोरियल का पिछले साल 2018 में उद्घाटन किया था दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इनकी पत्नी किम जोंग सुक ने, ठीक है। और इसको जिम योंग किम से कंफ्यूज भी मत करना जो वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट थे जिम योंग किम, अब हैं डेविड मेलपस। जलियांवाला बाग त्रासदी के ऊपर लिखी हुई एक कविता खूनी बैसाखी ये कौन से देश में रिलीज हुई है किताब? ये रिलीज हुई है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। यूएई की कैपिटल है दिरहम, कैपिटल कह रहा हूं, करेंसी है दिरहम और कैपिटल है आबूधाबी। आबूधाबी बुक फेयर में इंडिया होगा गेस्ट ऑफ ऑनर। और यूएई का मंगल ग्रह के लिए जो मिशन है उसका नाम है होप प्रोब, HOPE, होप प्रोब। पहला वर्ल्ड लीडर कौन है जो जापान के नए राजा नारुहितो से मिला? ये 1 मई को मिले, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। नारुहितो के साथ नए युग की शुरुआत हुई जिसे रीवा कहा जाता है। और जापान की जो गद्दी है उसे बोला जाता है क्राइसेंथिमम थ्रोन। और पुराने राजा थे अकीहितो, उनके युग को बोलते थे हीसई। भारत ने चियोईफेल कुंडलिंग मोनेस्ट्री, चियोईलिंग कुंडलिंग मठ कौन से देश में बनाया? अभी ये बनाया है भारत ने नेपाल में, नेपाल में बनाया है। और याद रखिए भारत और नेपाल के बीच ब्रॉड गेज पर पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ये जयापुर को जोड़ेगी जो बिहार में है उसको धनासू के साथ जो नेपाल में है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, भारत और नेपाल के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ये बिहार के जयापुर को नेपाल के धनासू के साथ जोड़ेगी, ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और जापान और भारत जो है, मैं जापान के बारे में बता रहा था, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है साथ, अमेरिका के साथ होती है तो उसे बोलते हैं मालाबार, जिसमें तीनों देश होते हैं, और सिर्फ भारत और जापान की जो होती है उसको बोलते हैं धर्मा गार्डियन। एशियन टी अलायंस, चाय बेचने और चाय उगाने वाले 5 देशों ने मिलकर समूह बनाया है एशियन टी अलायंस, इसमें ये कौन से देश में लॉन्च किया गया? ये अभी लॉन्च किया गया चाइना में, ठीक है, चाइना में लॉन्च किया गया। और इसमें 5 देश कौन कौन से हैं? चाइना में एक जगह है गुई जू, वहां पे लॉन्च किया गया, तो ये जगह का नाम भी याद रखिए। तो इसमें है इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान, ये 5 देश हैं। सऊदी अरब जो है उसने भारत का हज कोटा बढ़ा के कितना कर दिया है, यानी भारत से हर साल कितने लोग हज की यात्रा कर सकते हैं? भारत से अब 2 लाख लोग कर सकते हैं, पहले कर सकते थे 1.75 लाख, 25,000 और बढ़ा दिया है, तो हर साल अब 2 लाख जो है हज की यात्रा कर सकते हैं। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इनमें से रास अल खमैया जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, रास अल खमैया, इसका कॉरपोरेट एम्बेसडर कौन बना है? कॉरपोरेट एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। कौन सी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिन बिताएंगी और इसी के साथ वो सबसे लंबा समय किसी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के द्वारा बनाए जाने का रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा? इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था पैगी विट्सन के नाम, तो पैगी विट्सन का जो रिकॉर्ड था वो था 288 दिन, ठीक है, 288 दिन, तो ये रिकॉर्ड तोड़ेंगी क्रिस्टीना कोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेवी जो है उन्होंने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यानी कि अगर कोई मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ता है तो उसको हवा में खत्म कर देगा, इस तरह का एक शिप वो लॉन्च करा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इसे मुंबई के मजागों डॉक शिप बिल्डर वहां पर लगा दिया है। इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है आई एन एस इम्फाल। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ड्रोन, यानी कि ड्रोन बनाने का पहला उत्कृष्टता केंद्र, ये कौन से IIT में बन रहा है? ये IIT है हैदराबाद, और हैदराबाद में ही ड्रोन बनाने की पहली निजी फैक्ट्री भी लग रही है, ठीक है, IIT हैदराबाद। और हैदराबाद में ही पहला डॉग पार्क भी भारत में बना, और हैदराबाद में ही IKEA ने भी अपना पहला स्टोर खोला। और IIT हैदराबाद जो है ये भारत का पहला IIT है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर BTech स्टार्ट किया है, तो ये सब चीज़ें हैदराबाद के बारे में याद रखनी है। और IIT जो मद्रास है उसने भारत का पहला माइक्रोचिप बनाया था जिसका नाम रखा गया था शक्ति, ठीक है। और अभी INS मुंबई ने बनाया है, IIT मुंबई ने एक चिप बनाया है माइक्रोचिप जिसका नाम रखा है अजीत। तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं।
कौन डे लैंग, ये कौन से देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनकी डेथ हो गई सिर्फ 38 इयर्स की एज में। ये कौन से कंट्री के खिलाड़ी थे, ये स्कॉटलैंड के खिलाड़ी थे, स्कॉटलैंड। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी इंडोर वाटरफॉल, लेकिन इंडोर है ये 131 फुट है, ये कौन से एयरपोर्ट पे शुरू हुआ, ये है जूल चंगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है। कौन सी रिटेल कंपनी है जो भारत की पहली रिटेल कंपनी बनी जिसका एक साल का जो रेवेन्यू है वो 1,00,000 करोड़ के आसपार पहुंच गया, ये है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्होंने, रिलायंस ने अभी अभी खिलौनों का एक वो खरीदा है कंपनी हेमले, ये ब्रिटेन का खिलौनों का कंपनी है, ये भी रिलायंस ने खरीदा है। यूसुफ हमी, इनको यूके में रॉयल सोसाइटी से अवार्ड मिला, ये कौन सी कंपनी के चेयरमैन है, यूके की रॉयल सोसाइटी से इन्हें अवार्ड मिला, ये सिप्ला कंपनी के चेयरमैन है यूसुफ हमी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भोपाल गैस त्रासदी को ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सीडेंट्स में डिक्लेयर करा है 20वीं शताब्दी के। ये कौन से साल में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ये हुई थी 1984 में, 1984, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई, फ्री सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। और भोपाल गैस त्रासदी में जो केमिकल रिलीज हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ब्रह्मांड का पहला मॉलिक्यूल जो बना था आज से लगभग 1400 करोड़ साल पहले वो खोज लिया गया है अंतरिक्ष में, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हीलियम हाइड्राइड आयन, हीलियम हाइड्राइड आयन। और जो सूर्य ग्रह पर रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय विलयन। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने पोरोशेंको को हराया इलेक्शन में, पेट्रो पोरोशेंको, तो ये यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। इनमें से संतोष ट्रॉफी किसने जीता, ये 73वां बार था जब संतोष ट्रॉफी खेला गया था, संतोष ट्रॉफी को जीता सर्विसेज ने, और सर्विसेज ने फाइनल में हराया पंजाब को, ये फाइनल लुधियाना में खेला गया था। एक बात याद रखिए, टेनिस की एक ट्रॉफी होती है हॉपमैन कप, अब से हॉपमैन कप नहीं खेला जाएगा, इसको खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह खेला जाएगा एटीपी कप। कौन सी मलयाली फिल्म है जिसे सिनेमाटोग्राफी के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इस मलयालम फिल्म का नाम है भनायकम, मलयालम जो है ये केरला फिल्म इंडस्ट्री है इसको बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस यानी कौन सा देश कैंसर से लड़ने के लिए कितना तैयार है, इसमें भारत की रैंक क्या आई, भारत की रैंक है इसमें 19 और नंबर वन कंट्री है इसमें ऑस्ट्रेलिया। भारत में जन्मे नोबल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सम्मानित करने के लिए कौन से यूनिवर्सिटी ने एक चेयर बनाई है इनइक्वालिटी स्टडीज, यानी एक अलग विभाग बनाया है इनइक्वालिटी स्टडीज का, ये बनाया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो ब्रिटेन है ये पहला कंट्री बना जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी, क्लाइमेट इमरजेंसी। फेम टू गाइडलाइंस के हिसाब से भारत में उन्हीं बिजली से चलने वाली गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी जिनमें कम से कम कितने प्रतिशत जो उनके उपकरण हैं, कंपोनेंट हैं, वो भारत से खरीदे होंगे उनको बनाने में, 50% लोकल सोर्सिंग होनी चाहिए, 50% यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जो सामान है वो भारत से खरीदा होना चाहिए, तभी उन इलेक्ट्रिक कार्स को सब्सिडी मिलेगी। और डेडलाइन है 2030 वो डेडलाइन है जिसके बाद भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलेंगी, इसको बोलते हैं ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट। माउंट अगुंग, ये ज्वालामुखी काफी एक्टिव है, ये इरप्ट हुआ, ये कौन से देश का है, माउंट अगुंग है इंडोनेशिया का। और याद रखिए इंडोनेशिया में पिछले साल एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम है माउंट क्रकाटाओ, माउंट क्रकाटाओ, इसको फटने से सुनामी आया था इंडोनेशिया में, ठीक है। और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी और है माउंट सोपुतान, ये भी फटा था पिछले साल, तो तीनों के नाम याद रखिए, माउंट अगुंग, माउंट क्रकाटाओ और माउंट सोपुतान। कौन सा कंट्री है जहां पे G20 की बैठक होगी 2020 में, तो ये होगी सऊदी अरब में, और 2019 में होगी जापान के ओसाका में, और भारत में होगी 2022 में G20 मीटिंग। कौन सा बैंक है जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गई है कि वो गृह फाइनेंस कंपनी को खरीद सकता है, ये बैंक है बंधन बैंक, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता में ही मुख्यालय है यूसीओ बैंक का, यूसीओ बैंक, अलाहाबाद बैंक का भी कोलकाता में। बंधन बैंक शुरू किया था चंद्रशेखर घोष ने, वो इसके सीईओ हैं, और बंधन बैंक के चेयरमैन है हुरून रशीद खान, हुरून रशीद खान जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, तो बंधन बैंक है ये। और बंधन बैंक के अंदर 9.9% खरीद रहा है HDFC बैंक। इसके अलावा भारत में एक बैंक है जिसका नाम है IDFC बैंक,
IDFC बैंक कैपिटल फर्स्ट नाम की कंपनी के साथ विलय हो गया और इसने अपना नाम अब रख दिया है IDFC फर्स्ट। और LIC ने IDBI बैंक में स्टेक अक्वायर किया था, तो IDBI और IDFC में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इंडस इंड बैंक मर्ज हुआ है भारत फाइनेंशियल के साथ, BFIL, इंडस इंड बैंक। इसके अलावा तीन बैंक जो आपस में मर्ज हुए हैं, BDV, तो विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये तीनों भी मर्ज हुए हैं आपस में। तो काफ़ी सारे मर्जर देखे जा रहे हैं बैंक्स में। और एक और है जो याद रखना है आपको, लक्ष्मी विलास बैंक इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ मर्ज हुआ है, लक्ष्मी विलास बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बनाया है मिस्टर राजेश यदुवंशी को, राजेश यदुवंशी। और ये कौन है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता, सुनील मेहता। और एक बात याद रखिए, एशियाई विकास बैंक जो है, भारत ने उसे पिछले साल लोन लिया सबसे ज्यादा $3 अरब का, एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय मनीला में है। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस की एक लड़की है जिसका नाम है कैटरीना ग्रे, ये पिछले साल मिस यूनिवर्स बनी थी। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, वनेसा पॉन्स डे लियोन, ये मैक्सिको की है। इनमें से गुडविल एम्बेसडर कौन बना है इंडियन टीम का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए, दो बने हैं, एक तो है सौरव गांगुली और एक है मिथाली राज। तो आंसर है मिथाली राज, पर साथ में सौरव गांगुली भी है। नोटरडाम नाम का चर्च जिसमें आग लग गई, ये कौन से देश में है, ये है पेरिस में। पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल भी होंगे। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर है, FATF का हेडक्वार्टर है, OECD का और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इन VPN बाइलेट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भारत और कौन से देश के बीच में हुई, ये भारत और वियतनाम के बीच में हुई, वियतनाम की राजधानी है हनोई। कौन सा राज्य है जिसने अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया, ये इनका 72वां स्थापना दिवस था, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा याद रखिए 1 नवंबर को भारत के 5 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, जैसे केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि। और 1 नवंबर को बोल रहा हूँ मैं, और 9 नवंबर को होता है उत्तराखंड का, ठीक है, और 15 नवंबर को होता है झारखंड का, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है जिनका जन्म झारखंड के उलीहटू गांव में हुआ था। तो ये स्थापना दिवस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर पूछें 1 दिसंबर को किस राज्य का होता है, तो नागालैंड, और 1 मई को किसका होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राष्ट्रीय उद्यान में माइनिंग बैन कर दी है, यानी जो खनिजों का खनन है वो नहीं होगा, ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है असम में। गूगल ने अपना पहला अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ खोला है, अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस अफ्रीका के देश में खोला है, ये देश है घाना, घाना की राजधानी है आकरा। और एक अफ्रीकन नेशंस कप होता है, 2019 का अफ्रीकन नेशन कप पहले कैमरून में होने वाला था लेकिन अब होगा इजिप्ट में। इनमें से भारत के जो चीफ हैं आर्मी के बिपिन रावत, इन्होंने कौन सा शिप है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, निगरानी रखने के, गश्त लगाने के काम आता है जहाज, उसको विशाखापट्टनम में लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS वीरा, INS वीरा। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना रहे हैं ब्रिटेन के साथ मिलकर, उसका नाम है INS विशाल। तो INS विशाल और INS वीरा में कंफ्यूज नहीं होना है। और INS रंजीत हमने अभी अभी डीकमीशन किया है। विशाखापट्टनम में 18वां रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, साउथ कोस्ट रेलवे बोलते हैं इसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग कैंसिल कर दी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था मनी का, ये है वेलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तमिलनाडु में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा नोट अभी अभी निकाला है जिसपे शक्तिकांत दास के सिग्नेचर है, कौन सा नोट, तो ये इन्होंने कमीशन किया है अभी अभी 50 रुपये का बैंक नोट, 50 रुपये का, और बिल्कुल महात्मा गांधी न्यू सीरीज में है ये, और पुराना वाला भी लीगल रहेगा। इसके अलावा 20 रुपये का नया नोट निकाला है जिसपे एलोरा गुफाओं की फोटो है पीछे। CBSE के जो स्टूडेंट हैं वो कौन से साल से जब एग्जाम देंगे तो वो अपने साथ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यानी ऐसे चश्मे जिनसे अक्षर बड़े दिखें, और पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर ले जा सकते हैं क्लास 10 एग्जामिनेशन देने के लिए, ये सुविधा 2020 से उन्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। और CBSE का ध्येय वाक्य इस साल के लिए है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पंच लाइन है CBSE की, CBSE की चेयरमैन है अनीता करवल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कैंडिडा ऑरिस को लेकर गाइडलाइन दी है, कैंडिडा ऑरिस बहुत ही खतरनाक क्या है, ये है फंगस, फंगस है कैंडिडा ऑरिस। और एक फंगस और याद रखनी है जिसका नाम है काइट्रिड फंगस, काइट्रिड फंगस की वजह से भारत के जो मेंढक है उनकी डेथ हो रही है, तो फ्रॉग्स को अफेक्ट कर रही है वेस्टर्न घाट्स में। इनमें से इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विकास खन्ना, शेफ है, मिशेलिन रेटेड शेफ।
एक और याद रख लीजिए, मिशेलिन डेटेड शेफ गरिमा अरोड़ा, ये अभी अभी बनी है, इन्हें भी मिशेलिन स्टार मिला है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड जीता? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार मिला ऑल इंडिया रेडियो, पब्लिकेशन डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, तीनों। सो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इंग्लिश और स्पेनिश दोनों का दिन एक ही होता है और ये होता है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को होता है इंग्लिश और स्पेनिश का डे। कौन सी कंट्री है जो गेस्ट ऑफ ऑनर होगी, विशेष अतिथि, 29th अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में? तो ये कंट्री है इंडिया। इनमें से पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने 200 छक्के लगाए आईपीएल में? ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने एमएस धोनी, जो रेडबस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। सरकार ने जो कौन सा देश है जिससे इंपोर्ट होने वाले दूध पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल मिल रहा था जिसका नाम है मेलामाइन, ये देश है चाइना। होप प्रोप प्रोजेक्ट, ये मार्स मिशन है, मंगल ग्रह पे जाने का मिशन, कौन से देश का है? ये मिशन है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कौन सी संस्था है जिसमें सारा अपना स्टेक बेच दिया है सरकार को? ये नबार्ड और एनएचबी में किया है। सो आंसर है ए एंड बी। नबार्ड जो है 1982 में बना था और नबार्ड में जितना भी आरबीआई का स्टेक है सारा का सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को बेच दिया है, और नेशनल हाउसिंग बैंक में भी। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन सा कंट्री है जिसने एक स्पेशल डाक टिकट जारी करा रामायण के थीम पर? रामायण के थीम, क्योंकि इस देश के साथ हमारे 70 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक टाइज के, यानी राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए। ये देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान के कौन से पत्रकार को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड मिला है? इनका नाम है सिरिल अल्मेडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात और याद रखिए, पाकिस्तान की एक एडवोकेट थी आसमा जहांगीर, इन्हें पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन हाइट्स में कुछ कम्युनिटीज का नाम किसके नाम पर रखा है? ये है डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए रखा है क्योंकि अमेरिका ने माना है कि इसराइल का है गोलन हाइट्स, ये वैधता दी है अमेरिका ने इसराइल को। कौन सा कंट्री है जिसने अपना दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेस्ट किया है सक्सेसफुली, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर संयंत्र? ये है रूस का, रशिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है बंधन बैंक के अंदर 9.9% खरीद सकता है कौन सा बैंक? ये बैंक है HDFC बैंक। इनमें से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला अपने संगीत के योगदान के लिए? ये मिला है अभी अभी ऑल ऑफ दी अबव, इन तीनों को, सलीम खान, मधुर भंडारकर और हेलन। सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, ये भी अपने समय में एक्टर रहे काफी अच्छे, मधुर भंडारकर निर्देशक हैं, हेलन जो है काफी प्रसिद्ध अभिनेत्री और डांसर रही हैं। इनमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो जिसने भारत का पहला प्लेटफॉर्म बनाया है होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए? ये बनाया है बाय यू कॉइन ने, और भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM खोला था यूनो कॉइन ने। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है कि भारत फाइनेंशियल कंपनी जो है BFIL कौन से बैंक के साथ मर्ज हो सकती है? ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक और BFIL मर्ज हो रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये मिला राणा दास गुप्ता को, उनके कौन से साहित्य के लिए? ये साहित्य कौन सा था? इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है सोलो। इनमें से पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने जिन्होंने जापान में एक चुनाव जीता? इन्होंने टोक्यो की एडोगावा वार्ड असेंबली में चुनाव जीता। इनका नाम है मिस्टर पुरानिक योगेंद्र, पुरानिक योगेंद्र। 52वां भारत का कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी CGDA कौन बना है? CGDA, इनका नाम है राजेंद्र कुमार नायक। इनको भारत के CAG राजीव महर्षि से कंफ्यूज मत करना। इनमें से पहली महिला जोनल मैनेजर LIC की कौन बनी है? पहली बार LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जोनल मैनेजर बनी है, इनका नाम है मिनी ईप। इनमें से इंडियन ओवरसीज बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के बने हैं मिस्टर करनम शेखर, और कैनरा बैंक के बने हैं RA शंकर नारायण। दोनों याद रखिए, RA शंकर नारायण। आर्मी के पूर्व चीफ दलबीर सिंह सुहाग ये भारत के कौन से देश में राजदूत बने हैं? ये देश है सेशल्स, इसकी राजधानी है विक्टोरिया, और सेशल्स ने भारत को अजम्पशन आइलैंड दिया हुआ है वहां पे मिलिट्री लगाने के लिए। यहां के राष्ट्रपति हैं डैनी फॉर। तो दलबीर सिंह सुहाग बने हैं सेशल्स के। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका ने किस जानवर को खतरे में एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट में रख दिया है, यानी ये जानवर खतरे में है, ये कौन सा है? ये है जिराफ।
तो जिराफ पहली बार अमेरिका ने एंडेंजर स्पीशीज एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन दी है। अमेरिका में सिर्फ 68,000 जिराफ बचे हैं। कौन सी कंपनी है जो दुनिया की तीसरी कंपनी बनी 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करने वाली, $1 ट्रिलियन? पहली थी एप्पल, दूसरी थी अमेजॉन और तीसरी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडिया का स्थान है 80, इंडिया का स्थान है इसमें 80। नंबर वन जो है इसमें है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर नंबर दो और अमेरिका नंबर तीन। भारत का पहला लेबोरेटरी मीट प्रोजेक्ट ये कौन से शहर में शुरू हुआ? लेबोरेटरी मीट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हैदराबाद में। इसको CCMB यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंटर है उसने शुरू करा है। ये नकली मीट है एक तरह से, ये बनाया जा रहा है भारत में। इसे अहिंसा मीट नाम दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया है कि वो किस तरह के बॉन्ड्स में अब निवेश कर सकते हैं। ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी एयरलाइन है जो पहली मेजर एयरलाइन बनी है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किया और फ्लाइट उड़ाई? ये है एतिहाद एयरवेज। लेकिन अगर ऑप्शन में पोर्चुगल की एयरलाइन हो हाई फ्लाई, तो फिर आपको हाई फ्लाई मार्क करना है, याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है कैंटास, ये पहली एयरलाइन बनी है जीरो वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कैंटास, QANTS, ये पहली जीरो वेस्ट एयरलाइन बनी है। और ऑस्ट्रेलिया की एक व्यक्ति है क्लेयर पोलोसैक, ये पहली महिला बनी है जो मेंस के क्रिकेट मैचेस में एम्पायरिंग करेंगी। तो नाम अच्छे से याद कर लो, क्लेयर पोलोसैक। पहला मैच जिसमें इन्होंने एम्पायरिंग करी वो है नामीबिया और ओमान के बीच, नामीबिया और ओमान। ओमान में आपको याद होगा पिछले साल एक चक्रवात आया था साइक्लोन मकानू, और वहां पे भारत ने चलाया था ऑपरेशन निस्तार उन लोगों को वापस लाने के लिए जो उसमें फंस गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 रुपए का नोट निकाला है, इस पे किसका फोटो है? पीछे सर, पीछे की तरफ इस पे जो फोटो है वो है एलोरा की गुफाओं का। और इसका कलर क्या है? कलर भी पूछ सकते हैं, ग्रीनिश येलो। कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दिया होता है येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन नहीं है, ग्रीनिश येलो है। तो आंसर है इसका एलोरा केव्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इन्होंने मलेरिया को खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? इसका नाम रखा है मेरा इंडिया, मेरा इंडिया। मेरा की फुल फॉर्म क्या है? मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट रखा है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे मिलेगा 8.65% और जनरल प्रोविडेंट फंड पे मिलेगा 8%। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे मिलेगा 8.7, सुकन्या समृद्धि पे मिलेगा 8.5 और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग अकाउंट पे मिलेगा 8%। समझ में आया? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या जनरल प्रोविडेंट फंड जो है उस पे मिलेगा 8% और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे मिलेगा 8.65, सुकन्या समृद्धि पे 8.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 8.7, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी 8%। एशियन स्नूकर टूर टाइटल किसने जीता? स्नूकर की जब भी बात होती है तो एक ही खिलाड़ी आंसर करना है आपको, पंकज अडवाणी। सारे टूर्नामेंट यही जीतते हैं, तो पंकज अडवाणी है इसका आंसर। और अगर पूछे हमारी RBI की रेपो रेट कितनी है तो आंसर है 6%। इनमें से स्विफ्ट के नए CEO कौन बने हैं? यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट के नए CEO बने हैं हावियर परेज टासो। इसको रामोन लागुआर्ता के साथ कंफ्यूज नहीं करना, रामोन लागुआर्ता पेप्सिको कंपनी के CEO बने। कौन सा कंट्री है जिसने वनडे इंटरनेशनल स्टेटस अचीव करा है, यानी ये कंट्री अब से वनडे मैचेस खेलेगा? ये कंट्री है अमेरिका। तो याद रखिए, अमेरिका जो है ये अब से वनडे मैचेस खेलेगा। अमेरिका के अलावा क्या और कोई कंट्री भी है जो वनडे मैचेस खेलेगा? हाँ, ओमान। तो ओमान को भी मिल गया है वनडे स्टेटस, यानी ओमान और अमेरिका दोनों खेलेंगे अब से वनडे मैचेस। एक 35 मेंबर की वुमेन पुलिस टीम बनाई है स्त्री शक्ति, ये किसने बनाई है? स्त्री शक्ति, ये आंध्र प्रदेश ने बनाई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम। स्त्री शक्ति कौन से शहर ने बनाई है? ये शहर है आंध्र प्रदेश का, इसका नाम है विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम में बनी है ये। और हरियाणा की सरकार ने एक गैर आतंकवादी दस्ता बनाया है, उसका नाम रखा है कवच। हरियाणा की सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है जिसका नाम है शिक्षा सेतु। और हरियाणा में जितने भी अनाथालय हैं बच्चों के, उन सबका नाम हो गया है जगन्नाथ आश्रम। इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने माइक्रो इंश्योरेंस के लिए कौन सी कमेटी बनाई है? माइक्रो इंश्योरेंस का ढांचा तैयार करेगी, ये है सुरेश माथुर समिति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेपी कोलंबो मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जाक्सा मिलकर कर रहे हैं, ठीक है।
जाक्सा का एक स्पेस शटल भी गया अंतरिक्ष में, मोमो 3। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी मिलकर बेपी कोलंबो मिशन कौन से प्लैनेट को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं? ये है मरकरी, बुध, जो सबसे नजदीक है सूर्य के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोकायुक्त जो होता है ओम्बड्समैन, उसकी सुविधा उन गैर वित्त फाइनेंशियल कंपनीज को दे दी है जिनका कम से कम कितना टर्नओवर है, इनका एसेट साइज कितना होना चाहिए, कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। 100 करोड़ अगर एसेट साइज है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती वो वाली, यानी नॉन डिपॉजिट NBFCs, उनको भी ओम्बड्समैन फैसिलिटी दी जाएगी। भारत के वो गोल्फ के खिलाड़ी कौन है जिन्हें एनुअल इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड्स में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर अवार्ड मिला है? इनका नाम है गगनजीत भुल्लर, गगनजीत भुल्लर। और भारत की दो फीमेल गोल्फ खिलाड़ी आपको याद रखनी है, एक तो है दीक्षा डागर और एक है अदिति अशोक। पहला वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता ISSF राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप में? इनका नाम है अभिषेक वर्मा और ISSF का मुख्यालय है म्यूनिक में और IAAF का है मोनेको में, यानी जो एथलेटिक्स वाला एसोसिएशन है उसका मोनेको में और शूटिंग वाले का म्यूनिक में और टेबल टेनिस ITTF वाले का लॉजैन में। इंडियन आर्मी जो है वो कौन से बॉर्डर पे, ठीक है, सुरंगे बनाएगी और सुरंगे बनाने वाली कंपनी होगी NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये सुरंगे बनेंगी चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे। सो आंसर है A and B, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करता है सीमा सुरक्षा बल BSF, चाइना बॉर्डर को सिक्योर करता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और म्यांमार से बॉर्डर जो है उसको सिक्योर करता है असम राइफल और बांग्लादेश और पाकिस्तान को BSF, ठीक है। बचे भूटान और नेपाल, उनको करता है सशस्त्र सीमा बल। जनरल सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD, उन्होंने एक 8 मेंबर की समिति बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इनका काम ये है कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं PWD में, उसको ये फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसीज। इसके चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन बनाया गया है इसका मिस्टर MK Sharma को। इनमें से एकमात्र भारतीय कौन है जो फॉर्च्यून मैगजीन की वर्ल्ड्स 100 ग्रेटेस्ट लीडर में है, ठीक है, फॉर्च्यून मैगजीन के वर्ल्ड्स 100 ग्रेटेस्ट लीडर में है? अरुणाचलम मुरुगनाथनम। जो फिल्म बनी थी पैडमैन वो इन्हीं के जीवन पे थी। इन्होंने सैनिटरी नैपकिन को प्रमोट करने के लिए काफी काम किया है और फॉर्च्यून मैगजीन को खरीद लिया है थाईलैंड के एक बिजनेसमैन ने जिसका नाम है चाचावल जियारोवनो। और फोर्ब्स को खरीदा था मार्क बेनियोफ ने और चाचावल जियारोवनो ने इसको खरीदा $15 करोड़ में और इसको टाइम मैगजीन को खरीदा गया था $19 करोड़ में। मिजोरम के उस बच्चे का क्या नाम है जिसे पेटा कंपैशनेट अवार्ड मिला है क्योंकि इसने एक चिकन को बचाने की कोशिश की? इसका नाम है डेरेक लाल छानीमा। और मिजोरम का एक वेट लिफ्टर भी याद रखिए जिसका नाम है जेरेमी लाल रेनुंगा। इनमें से एकमात्र रेसलिंग खिलाड़ी कौन है पहलवान जिन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो चाइना में हुई उसमें गोल्ड मेडल जीता? यह है बजरंग पुनिया, 65 किलोग्राम में जीता और ये पहले रेसलर हैं भारत के जिन्हें मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क से भी इन्वाइट आया है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क से। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चाइना में हुई थी और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कतार में हुई थी। नगासो गिडाडा, ये कौन से देश के पूर्व प्रेसिडेंट हैं? इनकी अभी डेथ हो गई। ये प्रेसिडेंट थे इथोपिया के, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और इथोपिया के व्यक्ति हैं टेड्रोस अधानोम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और याद रखिए, जॉयस मसूया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर जनरल हैं और ये इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और ये तंजानिया के व्यक्ति हैं जॉयस मसूया। हडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अपनी कौन सा स्थापना दिवस मनाया 25 अप्रैल को? ये इनका 49वां स्थापना दिवस था, 49th। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने बुरका या मुंह ढकने वाली किसी भी चीज को बैन कर दिया है? ये कंट्री है श्रीलंका। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है जॉनसन जॉनसन बेबी शैम्पू उनको कितने राज्यों में बैन कर दिया है? ये बैन हुआ है 5 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और झारखंड, क्योंकि इसमें एक जहरीला केमिकल पाया गया जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ये किताब किसने लिखी है? अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, यानी मैं निडर हूं, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है भारत के पूर्व वित्त मंत्री P Chidambaram ने। सो ये था हमारा वीडियो अप्रैल का बेस्ट 200 क्वेश्चन का भाग दो। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि एक तो जो क्वेश्चन है 100 और साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो लगभग 500 क्वेश्चन आपके इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। ये वीडियो लगभग 15 लाख बच्चे हर महीने देखते हैं। और मैं बता दूं हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं ये भी अवेलेबल हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, लगभग 120 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। आप अगर इनको खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com।
और आप मुझसे सोशल मीडिया पे जोड़ सकते हैं, ये है मेरी आईडी facebook.com/gauravgarg education, या इंस्टाग्राम पे जोड़ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul। तो मिलते हैं फिर अगले महीने यानी मई के पार्ट 1 में। हेलो।